नमस्कार किसान भाइयों, मैं सौरभ भारद्वाज कृषि फाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको जो धान की फसल होती है उसमें जिस समय बाली निकलती है एक रोग लगता है जिसमें बाली के दाने लाल हो जाते हैं, उसमें काला धब्बा दिखाई देता है, तो उसका नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी नया हमारा वीडियो पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं ये धान की फसल है और इसमें इस समय जो बाली में लाल रंग का धब्बा दिखाई देने लगा है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो बाली है इस समय, इसमें यहाँ पर देखिए ये जो है लाल और काला धब्बा दिखाई देने लगा है ये दाने में। तो इस जो प्रकोप है किसान भाई उसका, इसको सही करने के लिए ट्रॉपिकोनाजोल 25% वाला जो आता है, 25 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपका ये नियंत्रण हो जाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक में बनाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।